आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था, 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया, 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। ऐसे ही 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे, 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में एक दो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो, ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था।